चाउमीन के लिए बुला रहे कस्टमर को, आके देख रहे और जा रहे, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बड़ी, जब चाउमीन बनाएंगे तभी तो कस्टमर आएंगे सुन सुन के। बात तो सही करी, चल मिल के चाउमीन बनाते हैं। हाँ ठीक है, चल बनाते हैं। यार मैं नमक डाल लूँ? डाल दे डाल। देख चौमिन भी बन गई, कोई आ ही नहीं रहा हमारी दुकान पे खाने के लिए। सही कह रही है। एक काम कर दे छोटी, तू यहीं पे रेडी देख, मैं पानी पी कर आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, तू जा, मैं रेडी का ध्यान रखूँ। तब तक बड़ी ने तो नमक डाला ही नहीं, यहीं पे पड़ा हुआ है। काम कर, तू डाल लेती हूँ। ए छोटी, वो कहाँ है बड़ी? अरे मम्मी, बड़ी ना पानी पीने गई है, पानी। अच्छा तो एक काम कर, उसको ढूंढ कर ला, मैं जब तक यहाँ पे चाउमीन बनाती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ, और आप दुकान का ध्यान रखना। ये नमक यहीं रखा हुआ है, लगता है चाउमीन बनाते वक्त नमक डालना भूल गए होंगे, मैं डाल देती हूँ। अरे बागवान, बच्चे कहाँ गए? वो हमारी बड़ी कहाँ गई, छोटी कहाँ गई? अरे पता नहीं ये बड़ी कहाँ चली गई थी, इसलिए मैंने छोटी को उसे लाने के लिए भेजा है। एक काम करो, चौमिन तुम बनाओ, मैं उन दोनों को ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है तुम जाओ, मैं बनाता हूँ। अरे मुझे लगता है इन्होंने चौमिन तो बना ली, लेकिन नमक डालना भूल गए। नमक तो यहीं पड़ा है, चलो मैं डाल देता हूँ। बहुत अच्छा। बच्चों आ गए तुम, आ गई मेरी बड़ी, आ गई मेरी छोटी, चलो आओ। अरे पापा कस्टमर भी आ गए। अरे भैया बढ़िया से चौमिन लगा दो, एक गजब सी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे बच्चे डालो, लाओ पत्थर कहाँ है, डालो डालो डालो। अरे चुकर लो, खाओ और बताओ कैसी बनी। कैसी लगी? एकदम भाईयाद बनी है भाईयाद। मैं तो कह रहा हूँ इस रेडी को बंद कर दो। अरे आग लगा दो आग। इसमें नमक नहीं डाला है, पूरा नमक का कट्टा ही डाल दिया है, सारा टेस्ट खराब कर दिया हमारे मुंह का। लगता है नमक ज्यादा डाल दिया। बड़ी मम्मी हमें देख नहीं रही है, एक काम करते हैं हम चाउमीन खाते हैं। ओ यार चाउमीन खाते हैं, चल चल। एक नंबर की चटोरियां कहीं की, तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं है ना? एक तो हमारे यहाँ एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, ऊपर से तुम दोनों ये चौमीन अपने आप ही खाने में लगी पड़ी हो। पापा! अरे बागवान क्या हुआ, क्यों बच्चों को डांट रही हो? अरे आप ही देखो ना अपने इन दोनों नालायक लड़कियों को, एक तो हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है, ऊपर से दोनों खुद ही चौमीन खा रही है। अरे मम्मी शुक्र मानो, हम आपकी चौमीन खा रहे हैं, इसको तो कोई कुत्ता भी ना खाए। तुम्हारा छोटी आगे बढ़ेगी तो बहन। चप्पल कहाँ है मेरी, मैं अभी बताती हूँ। अरे अरे मम्मी हमें मारने से क्या होगा, मैं तो कहती हूँ कस्टमर कस्टमर खेलते हैं, इससे तो कस्टमर भी आएंगे। अब ये क्या है? देखो मैं और छोटी कस्टमर बनेंगे और आप दोनों चौमिन के मालिक, अब हमें चौमिन बेचना, जिससे लोगों को लगेगा यहाँ पे कितनी भीड़ है और कितनी बढ़िया चौमिन मिलती है। क्या कहना है? अरे बच्चों को आइडिया एकदम मस्त है, एक तो इससे बच्चों का टाइम पास हो जाएगा और हो सकता है हमारी चौमिन भी बिक जाए। अब ये भी करके देख लेते हैं फिर। फटाफट अपने कपड़े पापा को दे, आवा कपड़े उतारो मेरे, चल। अरे जल्दी कर ले। ए आंटी फटाफट एक प्लेट चौमिन लगा दो। आंटी
तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मम्मी को आंटी बोलते हुए? ए मम्मी क्या सीरियस हो रही है तुम, एक्टिंग कर रहे हैं यार हम, एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर हैं हम। अरे देखिए बड़ी मम्मी, हम एक्टिंग कर रहे हैं और आप हमारे एक्टिंग में सवाल उठा रहे हो, हैं? मैं नहीं खेल रही। एक्टिंग कहीं की, ओवर एक्टिंग की दुकान, देती हूँ चौमिन तुम्हें अभी। जल्दी फटाफट चौमिन दो और मम्मी प्लीज सफाई से देना, जैसे घर में रोटी सब्जी बनाते टाइम आप बाल डाल देती ना, इसमें बाल मत डाल देना, फटाफट दो। मम्मी आज सफाई से चाउमीन बनाना, नहीं तो कंप्लेन कर दूंगी मैं। चक्कर आता है मेरी, इन्हें अभी बताती हूँ। ओए माँ भागम, तुझसे क्यों हो रही हो? तुझे मालूम नहीं बच्ची एक्टिंग कर रहे हैं? एक्टिंग समझा कर। एक्टिंग कर रहे हैं? फटाफट दो अब। हाँ ठीक है, फटाफट दो चाउमीन। अरे दे रही हूँ देवी, दे रही हूँ। इतनी बढ़िया है यार, इतनी जहर बनाई है मम्मी चाउमीन आपने। इस बार लगता है बढ़िया चाउमीन बनाई है इन लोगों ने, खुशबू भी बढ़िया ही आ रही है। काम करता हूँ मैं भी, खा ही लेता हूँ, भूख तो लगी रही है। अरे अंकल हमारे लिए भी लगा दो एक प्लेट चाउमीन फटाफट से। हाँ हाँ बेटा देती हूँ अभी। मम्मी यार कभी तो 700 रुपए में खाना बना लिया करो। क्या चौमिन में बाल? आए हाय हमको नहीं खानी है चौमिन, खानी तो कभी बाल कभी नमक, पता नहीं क्या ही बना रहे हो तुम लोग। अरे हम कह रहे दुकान को बंद कर दो, ताला लगा दो इसमें, हम तो जा रहे हैं दूसरी रेडी पे खाने। ओह नो, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी? एक कस्टमर आया था तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से, वो भी भग गया। हाँ तो बड़ी मैं क्या करती, मम्मी तो साफ सुथरा खाना बनाती ही नहीं है, तो यही तो होना था ना। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा आप। इससे तो अच्छा वो नौकरी थी ना, घर का खर्चा तो चल रहा था उससे। वो नौकरी चपरासी वाली, उसमें क्या ही कमा लेते थे तुम, उससे अच्छा तो मेरी नौकरी थी। अच्छा तेरी नौकरी, वो ब्यूटी पार्लर वाली, यहाँ लोगों की बहुत खींच रही तू। अरे तुम्हें क्या पता कितना सुकून मिलता है जब मैं उन आंटियों की वैक्स करती हूँ और वो चिल्लाती है, जो दिल को आराम मिलता है ना वो मैं बता भी नहीं सकती। इन्हें देख लो, एक तुम्हारे चौमिन की रेडी नहीं चल रही, एक को अपने ब्यूटी पार्लर की पड़ी है और दूसरे को चपरासी की नौकरी की। अरे कोई रेडी के बारे में भी सोच लो। अरे इनको मारो गोली, हम एक काम करते हैं अपनी चौमीन और अपने आप ही खाए जाते हैं। हाँ ये भी ठीक है, नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। चलो चलो खा दे। अरे बच्चों वाह, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। अरे वाह, आपसे पहले तो मैंने ऐसी चौमीन खाई ही नहीं। वाह यार मन कर रहा है पूरी खड़ा ही खा जाऊं। मेरे हाथ में जादू है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अंकल हमारे लिए भी एक प्लेट जल्दी से लगा दो चाउमीन। दीदी हमें भी चाउमीन खाना है। देखो मम्मी लग गई ना कस्टमरों की भीड़। हाँ हाँ दे दे जल्दी जल्दी। Hey guys, तो कैसे आप सब और कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल बस भूलना। बहुत बढ़िया चौमिन है, स्पाइसी भी है, मन कर रहा होगा खाने का, तो जाओ रेडी पे और खाओ मुझे से और वीडियो को फैला दो, आग लगा दो, जरूर देखना एंड तक। मिलती हूँ मैं जल्दी एक प्यारी लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली।